गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हरिद्वार। और हरिद्वार से जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ हरिद्वार टू धर्मशाला, तो आपको सैर कराया जाएगा कल सुबह धर्मशाले का। फिलहाल मैं बस ले लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो जाता है हरिद्वार टू। हरिद्वार में वेलकम आपका। थैंक यू भाई। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, बस बने रहें वीडियो के साथ। और फिलहाल मैं टिकट लेने चलता हूँ। छोटी सी एक झलक हरिद्वार की। जालापुर। और हम हरिद्वार से धर्मशाला के किराए की बात करें तो जो नॉर्मल रेगुलर बसें हैं, नॉर्मल रोडवेज होती हैं, उनका किराया है 800 रुपये तक। और जो वॉल्वो बस जाती है यहाँ से 5 बजे हरिद्वार से धर्मशाला के लिए, उसको जो किराया है वो है 1800 रुपये। तो दोस्तों, मैं टिकट कर चुका हूँ और मैं 2 दिन पहले ही कसोल से आया हूँ, कुल्लू मनाली से। तो वहाँ पे जाने के लिए ना रोडवेज बस में गया था, तो बहुत मुश्किल, 12-14 घंटे का रास्ता होता, बड़ा मुश्किल हो जाता, सुबह बॉडी काम नहीं करती है। तो अब की बार आने को मैं वोल्वो से आया था, अब भी मैं वोल्वो से ही जाऊँगा। तो दोस्तों, ये अपनी बस भी आ गई है हिमसुता, और इसी बस से हमारा सफ़र शुरू होने वाला है हरिद्वार धर्मशाला देहरादून पाउटा साहिब चंडीगढ़। और ये हमारे पायलट साहब हैं। बस बढ़िया जी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं धर्मशाला। ऋषिकेश से चले थे 5 बजे और यहां पहुंच चुके हैं हम 6 बजे सुबह मॉर्निंग, सुबह सुबह 6 बज रहे हैं। और ये है धर्मशाला का बस स्टैंड, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से मुझे जाना है मैक्लोडगंज, तो मैक्लोडगंज के लिए यहाँ से बस आएगी 6:50 पे, तो उसी पे जाना होगा मुझे, थोड़ा सा इंतज़ार। दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्मशाला मैक्लोडगंज, बहुत ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, और काफ़ी सारा टूरिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और यहाँ पे बैठने के लिए सीटें मिल जाती हैं, काफ़ी सारा टूरिस्ट यहाँ पे बैठ के आनंद लेता है। सुबह और शाम को अच्छा खासा क्राउड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे अच्छे रेट में आपको खाना मिल जाता है। राइस रेडी हो रहा है ना? दोस्तों, आपको मैक्लोडगंज से धर्मकोट जाना है तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, जिसका कि यहाँ पे किराया 100 रुपये है, और 1 किलोमीटर का ट्रैक है, आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं धर्मकोट, और ये है
धर्मपुर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ का मौसम और यहाँ का नज़ारा। ये पेड़ आपको यहाँ पे आपको अच्छे खासे देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, और ये ऑटो स्टैंड, और यहीं से हमारा सफ़र फिर शुरू हो जाता है धर्मकोट के लिए। दोस्तों जब हम लोग धर्मकोट जाते हैं ना, ऐसे म्यूजिशियन तुम्हें गाते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। निरब कर में मर जा, वे अल्लाह दी सो में मर जा, वे दुनिया दो डरे कजे तनु छड़े जा, रब कर में मर जावा, वे सोनिए जी तेरे नाल दगा में कमा, रब कर में मर जावा, रब ने बना के तेनू आप पछताऊंदा वे, वे सोनिए जी तेरे नाल दगा में कमा, निरब कर में मर जा। दोस्तों ये बकरियां हमें दिख जाती हैं आपको, पहाड़ी भेड़। थोड़ा सा और भी नज़ारे आपको दिखाते हैं यहाँ के। इस साइड में काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल जाते हैं।
नमस्ते। और ये है जी गांव धर्मकोट, बहुत ही शांति और पीसफुल। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको फॉरेनर ही लोग दिखेंगे, अपना इंडियन तो कम ही रहता है यहाँ पे। और यहाँ का जो खाना है वो भी थोड़ा सा अलग से फॉरेनरों के हिसाब से बनता है, थोड़ा सा वो कॉस्टली भी होता है। दोस्तों मैं यहाँ रूम देखने के लिए आया था, बट यहाँ पे पूरा फुल है। पिछली बार तो मुझे मिल ही गया था। आजकल फॉरेनर यहाँ पर बहुत सारा ठहरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे आज नीचे ही जाना पड़ेगा। בחדר כושר שדרור אסור לה להיכנס. ננה בננה, לי יש משקולות במתח, ויד אחורית בלחן, ננה בננה. नमस्ते माँ। हाँ बहुत कुछ पापड़ का नहीं चुए माँ। तोड़ दिया अलगोटे कर दो काम भाई। You forget what? No, I just come from there, but I don't know which way to go to Dharamkot. Is it down or is it there? Dharamkot this. And everywhere Dharamkot, this is Dharamkot. Okay. Yes. You come from Dharamkot? Yeah. But for me, expensive room. You have room here, there? No, down in the hostel. Hostel? Yeah. Ah, how much hostel? Like dormitory? Yeah. Ah, how much? It's 3,000 for 5 nights. 3,000 5 nights. Ah, 500 rupees. Yeah, something like that. It's good? Yeah, it's fine. It's a little up the forest, so yeah, it's fine. I make your video. Okay. For YouTube. How feel you Dharamshala? Yeah, love Dharamshala it. Dharamshala and this is McLeodguns. Yeah. Peaceful, eh? Yeah, it's really nice. Where are you from? From France. France? Yeah. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. What's your name? My name is Danny. Danny. Yeah. Julian. 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 Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Have a good day.
दोस्तों ये है मैक्लोडगंज, बहुत ही खूबसूरत है और देवदार के पेड़ आपको काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ठंडी हवा, वाह क्या कहना। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों धर्मशाला में हम रूम की बात करते हैं और आज की बात करता हूँ मैं, क्योंकि आज यहाँ पे काफ़ी क्राउड है तो समझ लीजिए कि आज के दिन पे यहाँ पे सडे संडे वाला भीड़ है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पे मैच है धर्मशाला में, तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचा हुआ है और मैं उसी भीड़ भाड़ को छोड़ते हुए ऊपर मैक्लोडगंज आया, बट यहाँ पर मालूम पड़ा कि रूम बिल्कुल फुल है, यहाँ तो फॉरिनर ही लोग बहुत ज़्यादा हैं। और अब मुझे जाना पड़ेगा धर्मकोट, पैदल ये वाला रास्ता है, ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है धर्मशाला से लेके और ये मैक्लोडगंज तक, बहुत ही अच्छा रास्ता है, ये सुकून है इस रास्ते पे। और हम खाने की बात करें तो यहाँ पे दाल सब्जी रोटी आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरनर हैं, कैफेज़ हैं, तो वहाँ पे हमारे पसंद का खाना नहीं मिलता और जो थोड़ा बहुत मिलता भी है तो बहुत महंगा है। और अब हम बात करेंगे धर्मशाले की, धर्मशाले में खाना हमें सही मिल जाता है, वहाँ पर प्राइस सही है वहाँ पर, और रूमों का भी जो है वहाँ पर 1000-1500 रुपये तक हमें रूम मिल जाते हैं, बाकी ऊपर तो काफ़ी महंगे महंगे होते हैं, बट जैसे भी आपको पसंद आता है उस टाइप के आपको वहाँ पे रूम मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए बक्सू वाटरफॉल है, गल्लू वाटरफॉल है, अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, आज ही तो सुबह पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें 2-4 और भी हैं यहाँ पर घूमने लायक, वो भी सारा दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। बस वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए काफ़ी कुछ आने वाला है। Yes, yes, yes. Where are you from? Moscow. Moscow, Russia. Yes, how feel you in India, Dharamshala and? Not like at home, but like just another world, another planet. Yeah. Yeah. So what do you portal like? Portal to another world. What do you like at this place? Here. Good. This place. No. Yeah, just perfect. Yeah, like calmness. You know. Just our dreams. Dreams. Yeah. Dreams. Just our dreams came true. What is your name? Kristina. Yeah. And you? Svetlana. Subhana? Svetlana. 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 Thank you so much, Svetlana. And and have a nice Christina. Journey. Yeah. Thank you so much. Thank you. So वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मैं अभी धर्मशाला में ही हूँ और आपके लिए बहुत कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आने वाली हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।